हाँ दिल बोलो, बस अभी पहुंची हूँ मैं। तुम क्लिनिक में हो? नहीं यार, बस मैं वो क्लिनिक से निकल रहा था। सुनो, मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों आज मेरे साथ डिनर कर रहे हो। नहीं यार, तुम्हें तो पता है ना अहमद का, वो घर से कहीं निकलना ही नहीं चाहता। हाँ तुम करके देख लो ट्राई, अगर वो मान जाए। ऐसे मुश्किल है। अहमद क्या कर रहा है तुम्हारे ख्याल से? क्या कर रहा होगा वो इस वक्त? उसे एक ही तो काम है, पेंटिंग पेंटिंग और सिर्फ पेंटिंग। ये देखो, अच्छी लग रही है ना? अच्छी है। जानते हो, कभी कभार मेरा दिल करता है कि जब मैं घर वापस आऊं तो तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बल्कि काफी शिद्दत से इंतजार कर रहा था तुम्हारा आज। अच्छा, क्यों, क्या खास बात है? तुम्हें याद है मेरी वो पेंटिंग जो आर्ट गैलरी के अंदर पड़ी हुई है, जिसको तुमने कहा था कि कभी नहीं बिकेगी? वो आज फाइनली बिक गई है और मैं बहुत खुश हूँ। वाह, फिर तो तुम्हें वाकई खुश होना चाहिए। तंस कह रही हो? मैं क्यों तंस करूंगी? I'm sorry, my bad. मैं भूल गया था कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं किया करते। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? खैर, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। तुम सारा दिन यहाँ कैसे गुजारते हो? ये रंगों की स्मेल और बंद दीवारें। चलो तुम बाहर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे कॉफी बनाती हूँ। बस तुम चलो, मैं दो मिनट में आया। काफी दिनों से मैं तुम्हें एक तब्दीली नोट कर रहा हूँ। कैसी तब्दीली? पता नहीं, तुम बताओ। तुमने जवाब नहीं दिया एक बात का। किस बात का? यही कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। प्लीज अहमद, तुम जानते तो हो। हाँ जानता हूँ, मगर इजहार चाहता हूँ। जज्बों का इजहार करना बहुत जरूरी है सारा। जज्बों का इजहार? तो क्या इजहार सिर्फ मोहब्बत का किया जाता है, नफरत का नहीं? नफरत करती हो मुझसे? फो अहमद, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। मुझे आदिल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि हम उसकी तरफ डिनर के लिए चले, कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अहमद कभी नहीं आने का। अरे नहीं नहीं चलते हैं आदिल की तरफ, बल्कि जब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी पेंटिंग बिक गई तो बड़ा खुश होगा। वैसे किसने खरीदी है? ये पता नहीं, लेकिन बिक गई। अहमद की पेंटिंग, वेरी नाइस। इसको आप स्टोर रूम में रखा दें। आदिल मियां, आप पेंटिंग खरीदते तो हैं, इन्हें सजाते क्यों नहीं? बाबा, मैं किसी की खुददारी को अपने घर की दीवारों पर नहीं सजा सकता,
खैर मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे चाय बना दें और शाम को सारा और अहमद खाने पे आएंगे, कुछ अच्छा बना दीजिए। जी बेहतर है। क्या हाल है भाई, काम कैसा चल रहा है? हाँ बिल्कुल फिटफाट, बल्कि अभी थी तो बताया मैंने कि आज एक पेंटिंग भी की है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है? बस देख ली मेरी अगली पेंटिंग। तू अपनी पेंटिंग को कुछ ज्यादा ही टाइम देने लगा है, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है तू अब एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी को टाइम दिया कर। शाम को मैं इसके साथ ही होता हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई और दोस्त नहीं है और मेरी कोई इसके अलावा कोई और एक्टिविटी भी नहीं है। अब सारा वक्त मैं तुम लोगों के साथ ही होता हूँ, और बता मैं और क्या करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है अहमद के जो भी टाइम उसके साथ गुजार रहा है उसमें कभी कहीं बाहर ले जा, घुमाने ले जा, मूवी दिखाने ले जा। अहमद और मूवी कभी भी नहीं मानेगा, मैं शर्त लगाती हूँ। शर्त किसकी? मोबाइल की। मोबाइल वैसे तुम मुझे दे दो तो मैं चलने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। ओ यार क्या हुआ? देख मुझे याद नहीं रहा, मैं लंदन से तेरे लिए मोबाइल फोन लेकर आया था। बाबा बाबा ऊपर मेरी टेबल पे एक मोबाइल का डिब्बा पड़ा हुआ है, वो जरा नीचे लेके आइएगा। मैं तो समझा था कि तू सिर्फ सारा के लिए गिफ्ट लेकर आता है। और उससे ज्यादा हैरत की बात ये है कि इसे आए हुए 6 महीने हो चुके और अब याद आ रहा है। बहुत अच्छी याददाश्त है वैसे आपकी। देख लो यार मेरी याददाश्त की हालत। चलो बाबा के दिखाएं। ये देख ये लेटेस्ट फोन लाया तेरे लिए टच स्क्रीन। थैंक्स, काफी अच्छा लग रहा है। वाओ नाइस ना, इट्स स्लिक। अरे चंदा तुम्हारी तरफ से तो मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हूँ, और अहमद की भी मुझे कोई परवाह नहीं। परेशानी है तो जाकिर मियाँ की। अब देखो ना दुबई चले गए बीवी बच्चों को इस्लामाबाद में छोड़ के। अरे भाई मेरे ही पास छोड़ दिया होता। पप्पो जाकिर भाई का ससुराल भी तो है ना इस्लामाबाद में। अरे भाई ऐसे ससुराल का क्या करना जहाँ हर वक्त ताले पड़े रहते हो, उनकी सास तो मारी मारी फिरती हैं। एक बेटी को तो अपने ही घर के करीब घर ले दिया, कभी वहाँ चली जाती हैं तो कभी दुबई चली जाती हैं। अब 3 महीने से दुबई गई हुई हैं और वहाँ जाकिर मियाँ है कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि आप राशिदा के पास जाइए वो अकेली है। तो आप चली जाइए ना पप्पो, वैसे भी आप अकेली रहती हैं। भाई अकेले रहना तो मेरे लिए अच्छा है, वैसे अब जाना तो पड़ेगा ही मुझे। अहमद से कहो मेरा टिकट करा दे। जाकिर मियाँ तो ससुराल के एहसान तले दबे हैं, हमें भी दबा रखा है। वैसे ये अहमद है कहाँ? वो बस आने वाले होंगे पप्पो, आदिल के साथ गए हैं, वो कोई काम था उन्हें। खैर मैं आपको टिकट करवा दूँगी। ठीक है चंदा। और आदिल कैसा है, मुलाकात तो होती रहती होगी? जी पप्पो तकरीबन रोज़ ही होती है। अरे भाई बड़ा तरस आता है मुझे तो इस बच्चे पर, न जाने कैसी किस्मत लेकर आया इस दुनिया में। बचपन में माँ बाप गुजर गए, अब बेचारी बीवी ना रही। मैं तो कहती हूँ तुम ही कोई अच्छी लड़की देख के उसकी शादी करवा दो। क्या सारा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है शादी? क्या सारी जिंदगी तुम अकेले रहोगे? कोई तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। तुम हो ना। और फिर वो बाबा भी है, सलीका मंद सुगर। कौन है सुगर? क्या फिर से तू मेरी बीवी की चुपके चुपके तारीफें कर रहा है? तेरी बीवी की तारीफें मुझे चुपके चुपके करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझसे डरता हूँ क्या? तारीफ करूंगा तो खुल के करूंगा, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ जैसा कमजोर इंसान तुझ जैसे हट्टे कट्टे के आगे क्या करेगा। अच्छा बातें छोड़, ये बता कल पिकनिक का प्लान तो ऑन है ना? हाँ बिल्कुल ऑन है। ये देखो अच्छी है ना? तो बहुत अच्छी है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आदिल अहमद खान अहमद अनवर से बहुत सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मेरी अपनी फैमिली तो रही नहीं, मेरे घर में एक बीवी थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई,
अब मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ अहमद ही तो है। अहमद तू मेरा भाई है, तू मेरा सब कुछ है। हमेशा अपना बहुत ख्याल रखना। दादा थैंक्स यार। ओके सारा अब तुम्हारी बारी। अहमद प्लीज, मैं तुम्हें एक ही बात बोल बोलकर थक चुकी हूँ। क्या तुम्हारे नजदीक ये मोहब्बत का इजहार करना जरूरी होता है? भाई मेरे लिए तो मोहब्बत ना सिर्फ सुनाई देनी चाहिए बल्कि दिखाई भी देनी चाहिए। इसलिए बस बहुत हो गया। अरे प्लीज इधर दो, अब तेरी बारी, चल। मैं अहमद सारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। सारा का कहना यह है कि मोहब्बत जो है वो सुनाई नहीं दिखाई देनी चाहिए। हाँ तो सारा तुम मेरी आंखों में झांक कर देखो सारा, तो तुम्हें मोहब्बत का समुंदर ठाठे मारता हुआ दिखाई देगा। और अगर तुम और गहराई से देखोगी तो तुम्हें ये भी नजर आएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता। प्लीज 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 ये फिल्मी डायलॉग्स बंद करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हम खाना खाएं? अरे दो मिनट लगवाऊं खाना? हाँ भूख लग रही है। बाबा खाना लगाए। अब बस बंद करो ये सब चीजें, बहुत हो गया, रखो अपने पास।